माय चैनल सिंपल गर्ल ज्योति सरोवा। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी हमारा अपार्टमेंट जो है न्यू जर्सी में। दिस इज़ वन बेडरूम अपार्टमेंट और अभी अभी हम नए नए ताजे इंडिया से आए हैं यूएस में। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट अपार्टमेंट, तो हमें सब कुछ खरीदना पड़ा, सिर्फ एक कुकर ही लेके आए थे क्योंकि सभी बोलते थे कुकर यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो हम कुकर लेके आ गए हैं यूएस में। और बाकी का सारा सामान हमने जो जो हमें चीज़ें ज़रूरी लगी वो हमने ले लिया यहाँ पे, और फर्नीचर हमें वो डिसमेंटल फॉर्म में मिला है तो खुद ही हमने जोड़ा है उसको, तो इसी में काफ़ी टाइम हो लग गया और काफ़ी इंटरटेनमेंट हो गया हमारा यहाँ पे। सो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप बताइए हमें बताइए आप कि हमारा अपार्टमेंट आपको कैसा लगा है। लेट्स सी गाइस, दिस इज़ आवर मेन एंट्रेंस टू आवर अपार्टमेंट। चलो अंदर चलते हैं। और अंदर आते ही यहाँ राइट साइड पे हमारे एक क्लोज़ेट सा दिया हुआ, छोटा सा क्लोज़ेट दिया हुआ है और इसको हम खोलते हैं। इसमें है हमारी सारी जैकेट्स वगैरह रखी हुई हैं, हमने नीचे बैग वगैरह हैं और वैक्यूम क्लीनर भी है और उसके ऊपर भी थोड़े बैग वगैरह रखे हुए हैं। ऐसे ही बाहर जाना होता है तो हम यहाँ से उठाते हैं जैकेट चले जाते हैं। ये आ गए हम लिविंग एरिया में और ये है मिशका की चेयर क्यूट सी, और यहाँ पे इसके कुछ टॉयज डाले हुए हैं यहाँ पे। ये हमारा इतना बड़ा ग्रैंड टीवी और नीचे है इसके ड्रॉर दिए हुए हैं और यहाँ पे हमने कुछ रखा हुआ है, जिनके घर में बच्चे हैं उनको पता होगा कि हमने क्यूडी रखा हुआ है। ये आ गया है हमारा वर्किंग टेबल, हमारा नहीं मेरे हस्बैंड का वर्किंग एरिया, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो सारा सेटअप किया है। ये चेयर, ये सारा कैबिनेट सब कुछ हमने आईकिया से लिया है। और यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, नीचे ड्रॉर दिए हुए हैं, ऊपर भी काफ़ी स्पेस है, आप कुछ भी रख। और इसके साथ ही दो हमने रॉकिंग चेयर ली हुई है और फिलहाल के लिए ही ली है हमने चेयर, सो काफ़ी ये अच्छी है चेयर। और ये आ गया हमारा किचन, दिस इज़ आवर किचन। चलो किचन में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। ये आ गया हमारा बड़ा सा फ्रिज, इसको खोला, ये है काफ़ी एनर्जी ड्रिंक्स रखे हुए हैं यहाँ पे, दूध है, कर्ड है, यहाँ पे थोड़ी चॉकलेट्स वगैरह हैं रखी हुई। और ये आ गया हमारा इंडक्शन और ऊपर दिया हुआ है माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव है और इसके नीचे ही ओवन है यहाँ पे। मैं खोल के बताती हूँ आपको, ये दिस इज़ ओवन एंड ऊपर भी काफ़ी बड़े बड़े ड्रॉर दे रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है इंडियन। देखो हमने काफ़ी दालें वगैरह रखी है, नमक रखा हुआ है, थोड़े मसाले वगैरह रखे हुए हैं एंड दूसरी साइड पे भी काफ़ी बड़ा कैबिनेट सा दिया हुआ है। यहाँ पे चीनी है, चाय पत्ती और सारे स्पाइसेस हैं। एक्चुअली हमारा अपार्टमेंट जो है ना काफ़ी नज़दीक पड़ता है इंडियन स्ट्रीट के, इसलिए हमने ये अपार्टमेंट लिया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और नीचे ऑयल्स वगैरह रखे हुए हैं, कुकिंग ऑयल, और उनके साथ ही डिश वॉशर है। मैं आपको खोल के बताती हूँ, दिस इज़ आवर डिश वॉशर। यस, और ये है छोटा सा स्टैंड, मैंने मंगवाया था ऑनलाइन अमेज़ॉन से, और यहाँ पे ऊपर रखे हुए हैं सारी कुकिंग ऑयल। और ये है अमूल का प्योर देसी घी, और ये है हमारे खाना बनाने के सारे औजार। और यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे भी हमने कुछ कुछ सामान रखा हुआ है, ओट्स रखे हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स ये। और ये है सिंक, सिंक और यहाँ से पानी चलाओ, और कुछ भी हम बर्तन धोते हैं तो कुछ भी रह जाता है इसमें, तो इसके लिए यहाँ पे मशीन दी हुई है। यहाँ पर सारा सामान यहाँ से, ये है
छोटा सा प्यूरीफायर है, पर यहाँ काफ़ी लोग कह रहे थे टैप वाटर पी सकते हो, कोई बोल रहा नहीं पी सकते हो, तो हमारा एक बच्चा भी है तो हमने रिस्क नहीं लिया है, तो हमने छोटा सा प्यूरीफायर ले लिया है। यहाँ पे प्यूरीफायर ले लो तो बेटर ही है। आप यहाँ पे रखा हुआ है मिक्सर और ये है बॉटल, से ये बॉटल भी आईकिया से ली है। और यहाँ पे हमने रखे हैं अपने आलू प्याज, ये बास्केट जो है ये भी ऑनलाइन ही मंगवाई थी और अमेजोन से। यहाँ पे ड्रॉर है, यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं रखा हुआ है, कप्स वगैरह धो के रखने हैं। और यहाँ पे चम्मच वगैरह और फोक और नाइफ वगैरह है। और नीचे इसके ड्रॉर दिया हुआ है काफ़ी बड़ा, और इसके अंदर है हमारे आटा है, चावल है, और बाकी जो भी है ग्रोसरी का सामान जो बंद पैकेट्स होते हैं वो हम यहाँ पे रखते हैं। और ये बाहर है, यहाँ से काफ़ी धूप आ रही है, काफ़ी आज मौसम ठीक है। ये है किचन, किचन तो हमारा काफ़ी बड़ा है, अच्छा स्पेस है काफ़ी। फ्रिज के साथ ही हम यहाँ पे डोर ओपन करेंगे, यहाँ पे है हमारा बाथरूम और ये है सिंक एंड ब्रशेस वगैरह रखे हुए हैं। सिंक के नीचे ये वो कैबिनेट, और इसमें हमने रखा है कुछ सामान, और ये हमने ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था अमेजोन से ऑनलाइन ही, सो काफ़ी सामान इसमें आ गया है। ये है बाथटब और यह है वॉशिंग मशीन, ऊपर ड्रायर है, और ये स्लाइडर डोर लगा हुआ है, और यहाँ से हम बाहर निकले। और यहाँ पे टीवी के साथ ही हमारा है, दिस इज आवर बेडरूम, ये है हमारा किंग साइज बेड, और दी हुई क्लोजेट्स, दो क्लोजेट दी हुई है यहाँ पे। और यहाँ इसको हम खोलेंगे, यहाँ पे हमने कपड़े रखे हुए हैं, ऊपर मेरा सारा ट्रेडिशनल वेयर है, सारे सूट साड़ी वगैरह मैंने ऊपर रखी हुई है, और यहाँ पे ऐसे रेगुलर कपड़े हैं, यहाँ पे अभी भी पड़े हैं हमारे टेंट। है सेकंड क्लोजेट, और ये है कंटेनर्स, और इसमें हमने छोटे छोटे कपड़े डाले हुए हैं, मिश्का के कपड़े हैं इसमें, हमारे भी हैं टी शर्ट्स वगैरह। और यहाँ ऊपर है बेडशीट और टॉवल वगैरह रखे हुए हैं हमने। ये है कैबिनेट, छोटा सा कैबिनेट लिया है, और इसमें हमने मैंने डाला है यहाँ पे मेकअप वेकअप का सामान है सारा। यहाँ पे डायपर हैं, वाइप्स हैं, और यहाँ पे मिश्रित कपड़े हैं, और नीचे भी कुछ ऐसा ही है। और ये है हमारा ड्रेसिंग टेबल मिरर, और ये है हमारा ड्रेसिंग टेबल, इसको हमने दीवार पे लटकाना था पर अभी ऐसे रखा हुआ है। और ये है हमारा लैंप। दिस वाज आवर अपार्टमेंट, जो छोटा सा हमारा प्यारा सा अपार्टमेंट था यही है, जो भी आपको अच्छी से डिटेल से बता दिया क्या क्या चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी सो दैट कि आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो भी लेके आऊँ और आपको एंटरटेनमेंट देती रहूँ। बाय बाय, टेक केयर।